अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की दूसरी अपडेट लेकर के पहली बार मैं आया हूँ। एक दिन में दो अपडेट दिया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आज चूंकि मेरे पास कोड की ऐसी अपडेट आई है कि आप लोगों के सामने बखुशी इसको रखना चाहता हूँ और लोगों के तवहुमात को जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये बातें जो कर रहा हूँ एक इन्वेस्टर की हैसियत से कर रहा हूँ, और मेरे मुल्क का आईन जो है मुझे इजाज़त देता है कि अपनी राय में रख सकूं, और उसके ऊपर से भी हुकूमत हिंद भारत सरकार मुझे समझिए कि अथॉरिटी देती है और दी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए से कि मैं जर्नलिज्म के मैदान में लोगों के लिए जो बेहतर हो सके वो करूं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग आप मुझे एक आम शख्स समझें, एक इन्वेस्टर समझें, और मेरी जो रसाई है मैं जहाँ तक पूछ सकता हूँ उसके ज़रिए से मालूमात की गई बातों को मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, उन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ जो लोग अपनी तसल्ली मेरी बातों से समझते हैं। कुछ लोग अभी चंद दिनों पहले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सदर दफ्तर पर गए और वहाँ उन लोगों ने ये कहा कि मुतीउर रहमान किस अख्तियार के साथ बोलता है और वो जो है स्पोक पर्सन बना हुआ है। तो मेरे भाई, मैं कहना चाहूँगा मैं कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मैं उसी तरह से अपनी आईन के दिए हुए आज़ादी के तहत अपनी बात रखता हूँ जो मेरा मुल्क मुझे प्रोवाइड करवाता है। अगर एक शख्स मुखालफत में खड़ा है और उसको कोई शख्स ये कहने नहीं जाता कि तू कंपनी का मुखालफत क्यों कर रहा है और मुझे ये कहता है कि ये स्पोक पर्सन क्यों बना हुआ है, तो उसकी मंशा सीधे से ये है कि उसी दरख्त पर पत्थर चलाए जाते हैं जो फलदार होता है। तो मेरी बातों से बहुत सारे लोगों के खेल बिगड़ रहे हैं, लोगों की जो बदनीयती है उन बदनीयतों पर पानी फिर रहा है मेरे ज़रिए से, तो उनको तकलीफ़ होती है और इस तरह के सवाल करते हैं। अगर सवाल करते हैं तो मैं कहता हूँ मैं उस दिन खामोश हो जाऊँगा जिस दिन मुखालिफिन को तुम खामोश कर देते हो। अगर सवाल मुझसे करते हो तो उन लोगों से भी सवाल करो कि वो किस अख्तियार के साथ, जबकि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकार नहीं है। मेरा पूरा ख़ानदान, मेरा पूरा कुंबा कबीला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सरमायाकार है, इस हक के तहत बोलता हूं। लिहाजा आता हूं मुद्दे पर। 4 तारीख को 4 नवंबर की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की अभी मैंने मशकूक एक अपडेट दी थी, अब उसकी बावसूक जराए से ये खबर आ चुकी है कि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस एक नई खबर के मुताबिक आप लोग आज ही से दुआएं करिए अल्लाह तबारक व तआला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ आलमा डॉक्टर नोरा शेख साहिबा को पुरअमन रखे, उनको पूरी तरह से बाफियत रखे ताकि वो लोगों के लिए कोशिशें कर सकें। और सुप्रीम कोर्ट का ये एक यू टर्न और 14 दिन का दिया गया एक मुद्दत कहीं ना कहीं इस बात की एक दलील थी कि इंशाल्लाह तआला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हमारे दरमियान में रह करके कोशिशें करेंगी, हमसे रूबरू होंगी और पर्दे के पीछे जा करके जो लोग ज़ुबान उनकी बंद करना चाहते थे, लोगों को बौखलाया हुआ, लोगों को बेसहारा जो लोग चाहते थे, उन लोगों की कहीं ना कहीं हार हो, ऐसी दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़ कबूलियत बख्शे। तो ये अपडेट एक हो गई, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई है 4 तारीख को 4 नवंबर को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदअमन लोगों का एक टोला FIR करने के पीछे बड़ा मुतहर्रिक हो रहा है, कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस दरमियान में जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ बाजियाब हुई थी, रिहा हुई थी, इस दरमियान में भी FIR हुए थे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ था? हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के दिए गए जजमेंट के मुताबिक हर FIR SFIO में क्लब हो जाएगा कंप्लेनेंट के तौर पर और क्लेमेंट के तौर पर, लिहाजा अब भी वो जजमेंट बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि लीगल तरीके से SFIO और ED आगे बढ़े, लेकिन यह नहीं कहा कि किसी भी मामले को जो है SFIO को अलग किया जाता है, ED को अलग किया जाता है, किसी को अलग थलग नहीं किया जाता है, ना ही यह कहा कि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के जजमेंट को रद्द किया जाता है, यह भी नहीं कहा गया। तो जो लोग बहुत मुतहर्रिक हैं, लोगों के पैसों को बर्बाद करना चाहते हैं, लोगों के वक्त को बर्बाद करने चाहते हैं, उनके इमोशनल से खेलने का काम कर रहे हैं,
मैं सब लोगों को बिला तफरीक कंप्लेनर, बिला तफरीक क्लाइमेंट, बिला तफरीक सब्र करने वाले, विड्रॉल करने वाले, कंटिन्यू करने वाले, किसी का भी तफरीक किए बगैर ये कहता हूँ कि आपका वक्त अगर कोई ज़ाया करे तो कहीं ना कहीं वो आपका खैरख्वाह नहीं हो सकता। अगर आपको इतनी सी बात मेरी समझ में आ रही कि SFIO में अगर आप गए थे या नहीं गए थे या अब से जाने की कोशिश कर रहे हैं किसी कोर्ट कचहरी में या FIR में या थाने में जाते हैं, तो आपका कंप्लेन SFIO में ही क्लब होगा। ये जजमेंट बरकरार है, इस जजमेंट को कोई चोट नहीं पहुंची है, इस जजमेंट को हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने दिया था। लिहाजा जो लोग FIR की दिलचस्पी रखते हैं वो लोग भी समझ लें, जो लोग FIR से घबरा रहे हैं वो लोग भी मुतमईन हो जाएं, और जो लोग इस भ्रम को, इस गलत फहमी को फैला रहे हैं कि कंप्लेन होगा, कंप्लेन बेशक होगा, ये अथॉरिटी है, ये आपका हक है, करे जिसको जो सही लगता है करे, लेकिन इस गलत फहमी के साथ नहीं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कोई चोट पहुंचा सकेगा। कोई चोट नहीं पहुंचा सकेगा, अगर कुछ कर सकेगा तो सिर्फ अपना वक्त खराब कर सकेगा, अपने पैसों को ज़ाया कर सकेगा। कोर्ट कचहरियों में जाएगा तो आपको अल्लम गल्लम तरीके से पैसे ऐंठे जाएंगे। इस बात का सबूत मैं देखना दिखाना चाहता हूँ कि कोर्ट कचहरी क्या चीज़ है। आप लोग इस बात को समझ लीजिए, मेरे गाँव में एक दो खानदानों की लड़ाई होती है, वो लड़ाई होती है ज़मीन के लिए। वो ज़मीन होती है सिर्फ और सिर्फ गालिबा एक कट्ठा, जिसको कि कुछ लोग मंडी बोलते हैं, कुछ लोग उसको 50 गज बोल सकते हैं, उतने की लड़ाई थी। उस लड़ाई को लड़ने के लिए उन दोनों ख़ानदानों ने अपने रोड पर मौजूद 10-10 बिघे यानी कि कई कई करोड़, 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेच करके उस एक मंडी, एक 50 गज या 50 स्क्वायर फीट की ज़मीन के लिए अपनी 10-10 बिघे यानी कि 2 एकड़ ज़मीनें फरोख्त करके उस एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए अपने पूरे आने वाली नस्लों की जो है मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया। तो ये कोर्ट कचहरी इशारे के तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये कोर्ट कचहरी ऐसे ही है कि जैसे एक ट्रक में आप एक सुई को उठा करके ले जा रहे हो, आपका मामला खुद ऑलरेडी जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लड़ रही है। आप एक सुई को उठाने के लिए ट्रक का इंतज़ाम मत कीजिए, आप जो है अपने काम काज को छोड़ करके मत जाइए। जो लोग आपको इस सिमत में भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, एक ना एक दिन देखेंगे कि वो आपके पैसे भी ज़ाय कर गए, आपके इमोशंस से खेल गए, आपकी तमाम तरह के जज्बात से खेलने का उन्होंने काम किया और गलत फहमी में डाला। लिहाजा गलत फहमी में ना रहिए, SFIO का वो जजमेंट जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने दिया था, ये कंपनी है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कंपनी है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ कंपनी के लॉ के मुताबिक ही इस केस को लड़ना है, और ये केस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कंपनी लॉ के तहत आएगा और कंपनी के मामलात को देखने के लिए SFIO है। लिहाजा आपके तमाम मेहनत का दुकाविश, पैसे, वक्त का ज़िया SFIO में पहुँच जाएगा। इतनी सी बात थी, समझाना चाहा, जिसको समझ में आ सके बहुत बेहतर, जिसको समझ में ना आ सके अल्लाह उसका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।